राजधानी भोपाल के नादरा बस स्टैंड में महापौर आलोक शर्मा ने चाय पर चर्चा की। इस दौरान आलोक शर्मा ने बस स्टैंड परिसर के समस्त व्यापारियों से शहर को स्वच्छ रखने की अपील की, साथ ही स्वच्छता अभियान में उन्हें हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान जोन अध्यक्ष संजय गुप्ता, पार्षद ज्योति तिवारी सहित सभी व्यापारी उपस्थित थे। आए और हम सभी लोग मिलकर अपने भोपाल को स्वच्छ भोपाल बनाएं, सुंदर भोपाल बनाएं, विकसित भोपाल बनाएं और सभी लोग मिलजुल कर इस सफाई के संदेश को अलग अलग तक पहुंचाएं और नगर निगम के एक अभियान का हिस्सा बने। और उस अभियान का क्या नाम है बताओ भैया, आवाज ही नहीं आई, भूल गए सब, पढ़ाई फेल। कौन सा अभियान है? रोको टोको अभियान। इतनी बात करने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। पहले से साफ सफाई कचरे दिखते थे, पहले से साफ सफाई व्यवस्था बेहतर दिख रही है, नहीं दिख रही? अरे एक दिन, दो दिन, एक साल, दो साल, तीन साल, पर एक दिन तो आएगा कि कचरा नहीं दिखेगा, बताइए। तो उसके लिए मेहनत करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? उचित स्थान के ऊपर हमको कचरा डालना चाहिए, इस दिशा के अंदर हम काम कर रहे हैं। ये टोल फ्री नंबर है, इस टोल फ्री नंबर के ऊपर आपको करना है, नंबर है 1969 1969। इस नंबर के ऊपर आप डायल कीजिए, इंगेज टोन आएगी, बात से मैडम पूछेंगी, चर्चा होगी, हाँ ना में आपको बोलना है, शहर के लिए बेहतर आपको फीडबैक देना है। और आपको ही नहीं देना है, आपको साथ सब लोग व्हाट्सएप पे रहते हैं, अपने साथ सोशल का ग्रुप है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? दूसरे शहर आगे हैं पर हमारा शहर अभी तैयार नहीं हो पा रहा, तैयार नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए हमें 1969 लगाकर अपने शहर के बारे में बेहतर से बेहतर हमको फीडबैक देना है। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरामैन आकाश बरागी के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।